नमस्कार साथी, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो बेसिक सीरीज हमारी चल रही है, बिल्कुल बेसिक लर्निंग जिसमें हम लोग कर रहे हैं कि ग्रामर को स्पोकन, अगर मतलब ग्रामर को अगर स्पोकन में हम लाते हैं, और जो बेसिक हमें सीखना होता है, तो किन किन चीज़ों को सीखना होता है, जिसमें टेंसेस, मॉडल्स, जनरल जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमें लर्न करना होता है। उसका जो है सेकेंड वीडियो है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन एंडेड इन द पास्ट टाइम, नॉट इम्पॉर्टेंट एट द प्रेजेंट टाइम। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें कोई भी घटना, कोई भी क्रिया एक आदत के तौर पे, एक हैबिट के तौर पे होती थी, ठीक है, पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं कि करण स्कूल जाता था, एक हैबिट में था जो कि पास्ट में था। मैं किताब पढ़ता था, तुम भगवान की पूजा करते थे, वह गाना गाती थी, वे घर आते थे, हम अपना काम खुद करते थे, वो मंदिर जाते थे। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, इसको आप पहचानने के लिए, आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिक जब हम लोग लर्निंग करते हैं तो उसको आइडेंटिटी के जरिए ही समझते हैं। जब हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं, तो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन से, हम सेंस ऑफ सेंटेंस से हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने के लिए आपको जो पहचान है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाक्य में जो भी आप वाक्य बोलते हैं, क्रिया के साथ साथ जुड़कर जो है, ता था, ती थी, ते थे, या फिर लास्ट में या, ये ऐसे वाक्य बनकर आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डिड। ठीक है, डिड का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब देखिए, इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम्स, या फिर ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ साथ हम केवल और केवल डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जैसे वाक्य है, करण स्कूल जाता था, तो हो जाएगा करण वेंट वेंट टू स्कूल। ठीक है, करण वेंट टू स्कूल। अब जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वेंट। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम समझेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, कि आखिर हम एक सेंटेंस को कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, कितनी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करना है। एक चीज साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आपको बताया जा रहा है, ये नोट करते रहना है, इसको समझते रहना है। ठीक है, तो एक वाक्य को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, वो है 6 तरीके से, जिसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आपका। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। याद रहे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आदि, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब एक चीज एकदम से याद रखना है आपको कायदे से, कि पूरी ग्रामर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफॉर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में ही सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी पूरी ग्रामर में कहीं पर भी नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, करण स्कूल जाता था, तो जो
इसमें क्रिया हो रही है वो जाना हो रहा है, ठीक है। तो सब जो आपका स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कारण आया, सबसे पहले कारण, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, जाना। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, और जो थर्ड होती है वो होती है गॉन, वो वेंट गॉन, ठीक है। तो जो क्रिया यानी कि वर्ब होती है, कई तरीके की होती है, वर्ब के लेक्चर्स भी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, सारा का सारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, बहुत ही डीप में बारीक लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। बस आपको पेशेंस रखना और एक एक चीज को नोट्स के साथ सीखते ही रहना है। तो जो सेकंड फॉर्म है वो है वेंट, तो करण वेंट अब कहाँ जाता है, स्कूल, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो है करण वेंट टू स्कूल। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स होते, ठीक है, तो वहां उसके आगे अदर वर्ड भी हम यहाँ लगा दें, ठीक है। तो सेंटेंस स्मॉल है बेसिक लर्निंग के लिए, करण वेंट टू स्कूल। तो ये आपका बना कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका बनेगा वो है नेगेटिव सेंटेंस। आप सभी लोगों को भली बात पता है, सेकंड सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूला टाइप है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, और उसके तुरंत बाद नॉट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब लगेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, करण, करण, फिर डिड, उसके तुरंत बाद आपका आएगा नॉट, करण डिड नॉट, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, करण डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, करण डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा सीखिए, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सीखिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, नोट्स बनाते रहिए, कंफर्म 100% श्योर आप लर्न कर पाएंगे और सीख पाएंगे, हर एक चीज बोल पाएंगे। आगे चलते हैं, थर्ड सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो है हमेशा एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, तो शुरू होता है हमेशा क्या से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है हमेशा, क्या करण स्कूल जाता था, पास्ट में बात होगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में आएगा आपका डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट करण, डिड करण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो डिड करण गो टू स्कूल, एंड देन क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। तो ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको जब नेगेटिव वे में कहते हैं तब हम क्या करते हैं, तो उसमें बस फर्क इतना होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है शुरू होता है क्या से, तो क्या करण स्कूल नहीं जाता था, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर देन आपका आपका आएगा सब्जेक्ट करण, देन नेगेटिव है तो नॉट, डिड करण नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका बनता है वो बनेगा आपका फिफ्थ वन, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका हिंदी वाक्य बनता है उसमें मिडल में बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, डब्ल्यू एच वर्ड आता है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड, वाई, वेन, वेयर, हाउ, वॉट, या ऐसे करके जितने भी जिसमें क्वेश्चन आता है वो आपके डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत आएंगे। तो कहाँ की इंग्लिश जो है वो होती है वेयर,
तो सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें आता है क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा वेयर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, डिड, वेयर डिड, कौन, करण, को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ट्रू, स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे और अदर वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल करण स्कूल कहाँ जाता था, तो यहाँ पर अगर आप और ऐड करना चाहें वाक्य में तो क्या ऐड कर सकते हैं? करण स्कूल कहाँ जाता था, उसके स्कूल का नाम भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि करण स्कूल कहाँ पढ़ने जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ब आ जाएंगी, तो जो जब दो आ जाएंगी तो उनको हम मर्ज मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए कर ही लेते हैं, वेयर डिड करण गो टू स्टडी। ठीक है, ये यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई करना, बेसिकली एज ए वर्ब कह सकते हैं इसे, क्योंकि एज ए वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जब दो वर्ब हो जाते हैं तो वहां पर हम इन्फिनेटिव से उसे जोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाक्य आपका जो बनता है वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो जो उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका डिड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो हो जाएगा आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट करण, देन वर्ब गो टू स्कूल। तो सेम हो गया, ये मिसिंग है, तो वेयर डिड करण नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा, करण के तुरंत बाद में आएगा नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो आपका ये सिक्स सेंटेंस बन गया। तो आप लोग समझ सकते हैं किसी एक वाक्य को हम छह वाक्यों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे आप लोगों के लिए सेम एक्सरसाइज है जिसमें डिड का इस्तेमाल करते हुए आपको बनाना है, ईच सेंटेंस को आपको सिक्स बॉक्स में बनाना है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो सिंग सैंग सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा, सिंग सैंग सॉन्ग सॉरी संग ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, रीड स्पेलिंग सेम रहेगी, पढ़ेंगे रेड रेड। ठीक है, लर्न का लर्न ईडी लगा देंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, वास का आप वॉस्ट ईडी लगा के वास्ट वॉस्ट, कम का केम सेकेंड फॉर्म कम अगेन थर्ड फॉर्म, गेट अप का गॉट अप सेकेंड फॉर्म गॉट अप ही थर्ड फॉर्म, कुक कुक्ड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज्ड हो सकता है इसका, एक्सरसाइज्ड सेकेंड, गो का अभी भी बताया गया गो वेंट गॉन। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये
आपके तीनों फॉर्म हैं वो भी ठीक है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी अब आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हर एक वाक्य को आपने 6 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, 6 बॉक्स में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना है और उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये बेसिक लेसन था बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल में, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, आप सब सीखते रहिए, और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद लर्नर्स, जो अगर कोई सीखना चाहता है, ठीक है, नहीं भी सीखना चाहता है, आपकी जानकारी में है, स्टूडेंट है, तो उसके साथ एक लोगों के साथ कम से कम शेयर करिए, जिससे कि किसी की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।